तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लर्निंग जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी जीके पोर्शन को। तो दोस्तों इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से अगर आप लोग 20 क्वेश्चन के आंसर सही से दे पा रहे हो तो आप लोगों का प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों अगर 20 से नीचे जा रहा है तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पहले से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा देर न किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिवर यूज्ड टू बी कॉल्ड द सरो ऑफ बंगाल। तो दोस्तों बंगाल की सरो कौन सी रिवर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी भागीरथी एंड ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ब्रिक्स व्हिच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। तो दोस्तों ब्रिक्स में बी को कौन से कंट्री से डिनोटेड किया जाता है? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ब्राजील एंड ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज सी। तो दोस्तों मृणालिनी साराभाई रिसेंटली डेड हुआ है तो इस किससे संबंधित है मृणालिनी साराभाई? तो ऑप्शन ए में है फिल्म एक्टर्स, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन सी क्लासिकल डांसर एंड ऑप्शन डी प्लेबैक सिंगर। ऑप्शन सी क्लासिकल डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हॉर्स के नाम क्या थे? ऑप्शन ए में है बुलबुल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी हया ग्रीवा एंड ऑप्शन डी बादल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। दोस्तों ऑप्शन ए में है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी आइजक न्यूटन एंड ऑप्शन डी जे केपलर। ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद। दोस्तों आर्टरी फिल्ड होता है किससे? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी टॉक्सिन्स एंड ऑप्शन डी लिपिड्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन। ऑप्शन ए में है बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार एंड ऑप्शन डी इत्माद उद्दुल्ला। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इज केरला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड। दोस्तों कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रावलाट एक्ट वॉज पास्ड इन व्हिच ईयर। दोस्तों रावलाट एक्ट कौन सी ईयर में पास हुए थे? ऑप्शन ए में है 1990, ऑप्शन बी में है 1921, ऑप्शन सी 1923 एंड ऑप्शन डी 1926। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हिच स्पोर्ट इज कर्णम मलेश्वरी एसोसिएटेड। तो दोस्तों कर्णम मलेश्वरी कौन सी खेलों से जुड़े हुए है? ऑप्शन ए में है टेनिस, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी एथलेटिक्स एंड ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून।
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन में है लूना 2, सेकंड ऑप्शन में है लूना 10, थर्ड ऑप्शन में है एपोलो 10 एंड फोर्थ ऑप्शन में है एपोलो 11। ऑप्शन बी लूना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सी वी आई डिनोट्स। तो दोस्तों एक्स सी वी आई कितने हैं? ऑप्शन ए में है 116, ऑप्शन बी 496, ऑप्शन सी 96 एंड ऑप्शन डी 84। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बोलिए। ऑप्शन सी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल ट्यूबरकुलोसिस टीवी डे इज ऑब्जर्व ऑन। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस डे कौन सी तिथि में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 20th मार्च, ऑप्शन बी में है 24th मार्च, ऑप्शन सी 24th मई एंड ऑप्शन डी 28th मई। ऑप्शन बी 24th मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला। दोस्तों कहां पर है गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला? ऑप्शन ए में है अमृतसर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी मलेशिया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। दोस्तों ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीमा एंड ऑप्शन डी दशरथ। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों कुचिपुड़ी डांस के ओरिजिनेट कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बोलिए इसका आंसर। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिजर्ट एडजॉइनिंग द थर्ड डिजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए में है गोभी, ऑप्शन बी में है चोलिस्तान एंड ऑप्शन सी में है सुकोर एंड ऑप्शन डी में है मीरपुर। ऑप्शन बी चोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच टू टीम्स प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो दोस्तों वो दो कौन टीम है जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी यूएसए कनाडा एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑप्शन सी यूएसए एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों कौन स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है? तो ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? तो इसका आंसर आप लोग बोलिए। आप लोग का मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। दोस्तों फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज किया जाए तो वेवलेंथ क्या होगा? ऑप्शन ए में इट इंक्रीजेस, ऑप्शन बी में है इट रिमेन सेम, ऑप्शन सी इट डिक्रीजेस एंड ऑप्शन डी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू। ऑप्शन सी इट डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द। ऑप्शन ए में है हाईकोर्ट, ऑप्शन बी इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरल एंड ऑडिटरल जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। दोस्तों कैग को कौन नियोग करता है? ऑप्शन ए में है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। दोस्तों किसको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बोलिए। ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, तो ऑप्शन ए में है रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी एंड ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों विटामिन सी के कमी से कौन सी रोग होती है इन चारों ऑप्शन में से, तो आप लोगों को मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन सी स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त पानीगिरी वॉज एसोसिएटेड विथ, संयुक्त पानीगिरी किससे जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए में भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी मणिपुरी एंड ऑप्शन डी कथकली। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी ओडिसी। तो दोस्तों ये थे 25 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी जीके सेट। तो आज का जो क्वेश्चन फॉर यू का क्वेश्चन है वो है ए गैस व्हिच इज एक्सटिंग्विशर्स फायर्स इज, दोस्तों गैस जो जो फायर निभाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बोलिएगा। एंड आज का सेशन कैसा लगा जरूर बोलिएगा। एंड दोस्तों कुछ अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ फीडबैक हो तो वो भी जरूर बोलिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में।